दोस्तों, क्या आपको पता है मेमोरी का मैक्सिमम स्टोरेज कितना है? ज़्यादातर हम लोगों को KB, MB, GB या TB तक पता है, लेकिन TB के बाद और 6 यूनिट से, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और इस स्टोरेज का प्राइस कितना है, इस स्टोरेज कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं KB से TB तक एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ, फिर उसके बाद जो 6 यूनिट्स है उसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करता हूँ। सबसे पहले KB मतलब किलोबाइट, जो कि टेक्स्ट PDF फाइल की साइज़ होता है। अब जब भी कोई सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं वो MB मतलब मेगाबाइट पे रहता है। आपकी जो फ़ोन है, जो पेन ड्राइव है, वो 32 या 64 GB मतलब गीगाबाइट पे रहता है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है वो 1 या 2 TB मतलब टेराबाइट पे होता है। TB मतलब टेराबाइट के बाद है PB, जिसका पूरा नाम है पेटाबाइट। एक पेटाबाइट का मतलब है 1024 TB और एक पेटाबाइट का मतलब है 10 लाख GB। दोस्तों, एक पेटाबाइट यानी 10 लाख GB स्टोरेज यूज़ करते हैं गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और ऐसे बड़े बड़े सर्वर यूज़ करते हैं। दोस्तों, क्या आप बोल सकते हैं एक PB स्टोरेज फुल करने कितना टाइम लगेगा? ये काम यूट्यूब 90 डेज मतलब 90 दिन के अंदर ये काम कर देगा। दोस्तों, अब आते हैं प्राइस के बारे में। एक पेटाबाइट स्टोरेज की प्राइस है ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए। पेटाबाइट की बात है EB मतलब एक्साबाइट। एक एक्साबाइट का मतलब 1024 PB। इसको GB में कन्वर्ट करूँ तो एक EB मतलब 107 करोड़ GB होता है। दोस्तों, हर साल इंटरनेट पे जो डेटा ट्रांसफ़र होते हैं मतलब अपलोड डाउनलोड किया जाता है, वो कैलकुलेट करने के लिए ये EB इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नहीं समझ पाए तो देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो, हमारे विश्व में अब तक इंसान ने जितने बात किया है वो सारे बातें जमा करने के लिए 5 EB मतलब 5 एक्साबाइट की ज़रूरत होगी। अब प्राइस की बारे में बात करूँ तो एक एक्साबाइट का प्राइस $35 मिलियन मतलब 22 करोड़ रुपए है। EB के बाद है ZB मतलब ज़ेटाबाइट। एक ज़ेटाबाइट का मतलब 1024 EB है। इसको GB में कन्वर्ट करूँ तो एक ज़ेटाबाइट का मतलब 1 लाख करोड़ GB है। दोस्तों, हमारी दुनिया पे जितने भी डेटा है उसको कैलकुलेट करने के लिए ZB इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बहुत कम ज़ेटाबाइट लगती है इस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। और प्राइस जो है वो मुझको नहीं पता दोस्तों। अगर आपको पता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझको बोलिए कि इसका प्राइस क्या है। ज़ेटाबाइट की बात है UIB मतलब यट्टाबाइट। एक यट्टाबाइट का मतलब 1024 ZB। दोस्तों, इसको GB में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, फिर भी आपको समझने के लिए एक राउंड फिगर बोलूँ तो एक यट्टाबाइट मतलब 10 करोड़ GB है। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, बट आप अगर 2 करोड़ ऐड करेंगे तो ये GB में कन्वर्ट हो पाएगा। दोस्तों, यट्टाबाइट का कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। दोस्तों, आपको एक मज़े की बात बोलूँ, अगर आप एक यट्टाबाइट डाउनलोड करना चाहते हैं फुल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ, तो आज आप डाउनलोड स्टार्ट करेंगे और इस डाउनलोड ख़त्म होगा 11 लाख करोड़ साल बाद। दोस्तों, एक यट्टाबाइट की प्राइस के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है, फिर भी आपको एक समझने के लिए बोलूँ तो ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपये होगा। दोस्तों, यट्टाबाइट की बात है BB मतलब ब्रोंटोबाइट। एक ब्रोंटोबाइट मतलब 1024 यट्टाबाइट है। दोस्तों, इसको GB में कन्वर्ट करना तो करोड़ लाख देने भी मैं बोल नहीं सकता। तो आप करेंगे का एक लिखेंगे, उसके बाद 18 0 आप डाल देंगे तो GB में आ जाएगा। दोस्तों, इसका भी कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है और प्राइस क्या है मुझे नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। अगर आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, मैं जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। दोस्तों, सबसे लास्ट है GB। दोस्तों, GB मतलब गीगाबाइट नहीं, इस GB का मतलब है GOP बाइट। तो एक GOP बाइट मतलब 1024 BB। दोस्तों, एक GOP बाइट कितना गीगाबाइट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, क्योंकि अगर इसको मैं GB में कन्वर्ट करूँ तो 18 0 से और भी 3 0 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा, फिर भी आप मुझे एग्जैक्ट फिगर बताना। दोस्तों, जब यट्टाबाइट ब्रोंटोबाइट की प्रैक्टिकल यूज़ प्राइस नहीं पता चला तो GOP बाइट का पता चलेगा, तो इस आशा करना भी बुरा है।
दोस्तों ये स्टोरेज की एक खास बात है, वो है ये स्टोरेज खरीदने के लिए आपको अंबानी की किसी फैमिली के साथ रिलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये स्टोरेज यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आपको दोस्तों के भी साथ शेयर करना, उनको भी बात पता चले कि इसके बारे में मैंने जो भी बोला है, और सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।